नमस्कार, पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं और क्यों बीजेपी को एक बड़ी जीत पश्चिम बंगाल में मिली है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं और ग्राम पंचायत हो, ग्राम समिति और जिस कार से यहां पर बात की जाए तो यहां जिला परिषद के चुनाव के फाइनल नतीजे सामने आए हैं, उस हिसाब से कहा किसकी जीत हुई है। लेकिन माना जा रहा है कि इस चुनाव में भले ही ममता बनर्जी ने ज्यादा सीटें जीती हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ी मात दी है। इसके अलावा बात की जाए तो बंगाल में यह इंसाफ के बीच हुए चुनाव के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं, क्योंकि बंगाल चुनाव में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया है और नंदीग्राम सीट पर यहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और इस जीत को कहीं ना कहीं 2024 से जोड़ा जा रहा है और ऐसे में ममता बनर्जी को लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक बड़ा झटके तौर पर देखा जा रहा है। तो बंगाल पंचायत चुनाव के नतीजे जो हैं वो लोकसभा चुनाव के लिए किस कार से देखे जा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी को इसलिए भी एक बड़ा झटका रहा है क्योंकि ममता बनर्जी के गढ़ में ही बीजेपी ने यहां पर 61 सीटों में से 37 सीटों पर जीत हासिल की है और इस जीत को एक बड़ी जीत की तरफ देखा जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने यहां नंदीग्राम सीट पर बड़ी जीत हासिल की है और उसके बाद इसे लोकसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। भाई 2018 यहां पर पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार जो रिजल्ट सामने आए हैं उसमें बात की जाए तो ग्राम पंचायतों के लिए यहां 63,229 जो यहां पर सीटें थी उसमें से यहां 51% वोट शेयर के साथ तृणमूल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन नंदीग्राम में उनको मात मिली है। तो यहां पर 40,826 ग्राम पंचायतों पर यहां पर ममता बनर्जी का कब्जा रहा, जबकि बीजेपी यहां पर बात की जाए तो करीब यहां पर 9,649 ग्राम पंचायतों पर जीत हासिल की है। वही अगर बात की जाए तो यहां पर संयुक्त मोर्चे को 5,822 और अन्य के पक्ष में 2,972 ग्राम पंचायतों पर जीत मिली है और इस जीत में शुभेंदु अधिकारी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी यहां पर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस बनी है। करीब 40,000 से ज्यादा उनको सीटें मिली हैं ग्राम पंचायत के लिए, जबकि अगर बात की जाए तो पंचायत समिति के लिए या 6,801 यहां पर सीट पर तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली है। वही बीजेपी 1,000 सीटों पर जीत मिली है, 459 यहां पर जो है संयुक्त मोर्चा है उसको जीत मिली है, तो 301 अन्य के पक्ष में भी गए हैं। इसके अलावा जिला परिषद के लिए यहां पर 887 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली है और 33 यहां पर जिला परिषद पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है, 17 पर यहां पर संयुक्त मोर्चा ने और 1 पर अन्य ने जीत हासिल की है। यानी तीनों ही यहां पर जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में तीनों में ही यहां पर सबसे ज्यादा सीटें ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है, लेकिन नंदीग्राम में बड़ा झटका भी रहा है। तो ऐसे में इस चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव से जोड़े जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा था क्योंकि काफी हिंसा भी हुई है और अब माना जा रहा है कि आखिर यहां पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों पर कितनी सीटों पर बीजेपी और यहां पर जो है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को जीत मिल सकती है। क्या सीधा मुकाबला ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच ही लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा या फिर नहीं, इस पर अपनी राय रख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव पर अपनी राय रख सकते हैं? मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।